हनुमान प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर हिंदू संगठनों ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कई जगह व्यापारियों ने दुकान बंद कर विरोध जताया और प्रशासन से अपराधियों के खिलाफ NSA लगाने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर कई हिंदू संगठनों ने 2 दिन बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हनुमान प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हिंदू संगठन मामले में NSA की कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कई हिंदू संगठन ने इस मामले को लेकर कई क्षेत्रों में दुकानें बंद कर विरोध जताया। मुस्लिम समाज की ओर से हाजी हारून मंसूरी ने कहा कि हनुमान प्रतिमा से छेड़छाड़ की गई है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा पूरा समाज इसका विरोध करता है, मैं स्वयं इसका विरोध करता हूँ। कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा कृत्य करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मकान जमींदोज होने चाहिए, NSA लगाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी हरकत कोई और न कर सके। मैं ये हनुमान जी की मूर्ति में छेड़खानी की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए। हमारा पूरा समाज इसका विरोध कर रहा है, हम भी विरोध कर रहे हैं। हम BJP पार्टी से 2 बार पार्षद रहे, अभी भी हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा पूरा समाज, पूरी महिलाएं इसका विरोध कर रही है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसको फांसी होना चाहिए। डॉक्टर AR खान का कहना है कि यह घोर अपराध है, हमारा समाज इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। ऐसे व्यक्तियों को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। घोर अपराध है और इसकी मुस्लिम समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है। ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। पूरी घटना को लेकर भीम हिंदू संगठन के सदस्य रूपेश गिरी गोस्वामी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठनों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें यह मांग की गई कि जो अपराधी हैं उन पर NSA लगाया जाए। कलेक्टर ने फोन पर आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर इसी प्रकार टालमटोल चलता रहा तो सभी हिंदू संगठन उग्र प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2 दिवस के अंदर उनके ऊपर NSA लगा दी जाएगी एवं उनका घर उगरा दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक ना ही कलेक्टर के द्वारा दिए गए उनके द्वारा बोला गया, ना तो उनके द्वारा जो बोला गया उनका आज तक कोई काम हुआ है, ना अभी तक समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा कुछ काम किया जाएगा। अगर इसी तरह से अगर टाल मटोल करते रहेंगे कलेक्टर के द्वारा और यहाँ की प्रशासन के द्वारा, तो मैं हिंदू संगठन के द्वारा आप लोग तक ये सूचना पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आज से 2 दिन के बाद तक अगर कलेक्टर हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो सभी हिंदू भाइयों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। आके पूरा रोड जाम करके और प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक इनके ऊपर FIR नहीं होगी और NSA नहीं लगाया जाता तब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। वहाँ पे पहुंचे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोगों ने और शासन देखे, उनको तो दोनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।